गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चौथी बार विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में निर्वाचित हुए शिक्षक एमएलसी व माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ पांडे का मोहम्मदाबाद पहुंचने पर नगर के जफरपुर मोहल्ले में स्थित अनिल कुमार पांडे के आवास पर स्थानीय नागरिकों व शिक्षकों ने भव्य स्वागत किया। शिक्षक राजेश राय पिंटू व गुरुचर सिंह बग्गा ने अंगवस्त्रम प्रदान कर अभिनंदन किया। इस मौके पर सीपीआई नेता व शिक्षक विधायक केदारनाथ पांडे ने कहा कि आने वाला समय शिक्षा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। सरकार की नई शिक्षा नीति शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जाने वाली है। बीजेपी शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर अनिल कुमार पांडे, विवेक कुमार पांडे, गोपाल सिंह यादव, गंगा सागर जायसवाल आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय में विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। छात्र छात्राओं द्वारा एसपी से करियर, पढ़ाई, सुरक्षा आदि संबंधित सवाल किया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। छात्र छात्राओं ने पुलिस अधिकारी बनने के लिए योग्यता के संबंध में एसपी से सवाल किया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ ही कोई घटना हो जाने पर कैसे पुलिस की मदद ली जाए, इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से सवाल किया गया। एसपी ने उन्हें विस्तार से इस बात की जानकारी देते हुए हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में उन्हें बताया। कहा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर इन नंबरों पर संपर्क कर आपको तत्काल पुलिस की मदद मिल सकती है। एसपी ने छात्राओं को नारी सुरक्षा और शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क संचालित है। अगर कोई किसी महिला बालिका को परेशान करे, छेड़छाड़ करने का प्रयास या उत्पीड़न करे, तो पीड़ित महिला बालिकाएं यहां आकर महिला पुलिसकर्मी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तत्काल दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। दुल्लापुर थाना पुलिस को सोमवार की रात बड़ी कामयाबी मिली। उसने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तमंचा, कारतूस के साथ ही चोरी और चोरी लूट में प्रयोग की गई बाइक बरामद की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार की रात फोर्स के साथ अमारी गेट पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर रात करीब 9:15 बजे क्षेत्र के धामोपुर पुलिया के पास से 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक भागने में सफल हो गया। बताया कि गिरफ्तार चोरों में थाना क्षेत्र के ददरा निवासी अजीत पाल, भुड़खुड़ा थाना क्षेत्र के महार बुजुर्गा निवासी अंगद यादव, शिवाला निवासी इंद्रजीत यादव और क्षेत्र के बखरा निवासी विशाल यादव शामिल हैं। विशाल के पास से 315 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस के साथ ही चोरी की बुलेट सहित 2 बाइकों के साथ ही इंद्रजीत की निशानदेही पर लूट चोरी में प्रयुक्त एक अन्य बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष के साथ उप निरीक्षक राम अनुग्रह पांडे, उप निरीक्षक मनोज कुमार तिवारी, अवधेश राय, हेड कांस्टेबल प्रेम शंकर राय, कांस्टेबल धनंजय सिंह, कांस्टेबल धीरज सिंह, कांस्टेबल संदीप पांडे, कांस्टेबल आशुतोष सिंह पटेल, कांस्टेबल आदित्य यादव और महिला कांस्टेबल रूबी तिवारी शामिल रहीं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में रेतीपुर ब्लॉक और जमानिया ब्लॉक के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल उप जिला अधिकारी जमानिया से मंगलवार को मिलकर पत्रक सौंपा। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ने बताया कि शहीद मेजर विकास सिंह, जो ग्राम पोस्ट ताड़ीघाट के रहने वाले हैं, जो कि 12 राजपूताना राइफल में मेजर पद पर तैनात थे, पिछले वर्ष 18 अप्रैल 2019 को जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से जूझते हुए शहीद हो गए थे। उसके उपरांत जब उनका पार्थिव शरीर गांव पर आया था, उस समय के तत्कालिक जिलाधिकारी के बालाजी द्वारा परिवार को शासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि शहीद विकास सिंह की याद में ग्राम सभा ताड़ीघाट में शहीद के नाम पर एक पार्क का निर्माण कराया जाएगा और उसका सुंदरीकरण भी किया जाएगा, जिसमें उनकी मूर्ति भी स्थापित होगी। लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। कहा कि ऐसा न होने पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा शहीद मेजर विकास सिंह के सम्मान के लिए आंदोलन के माध्यम से सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर जमानिया ब्लॉक प्रभारी अमरिंदर सिंह, अनुराग सिंह, राकेश सिंह, बलवीर सिंह, शुभम सिंह, रघुराज सिंह, शिवम सिंह आदि मौजूद रहे। स्थानीय कोतवाली पुलिस व यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने यातायात माह को देखते हुए क्षेत्र में पहली बार मंगलवार को पांडे मोड़ सहित कई जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। कोतवाल राजीव कुमार सिंह व ट्रैफिक यातायात प्रभारी प्रवीण यादव की मौजूदगी में चलाए गए अभियान में 2-पहिया व 4-पहिया वाहनों के कागजात, सीट बेल्ट सहित हेलमेट आदि की जांच की गई। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने ब्लॉक मोड़ के सामने चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत वाहन मालिकों से कहा कि वे अपने दस्तावेज अप टू डेट रखें तथा गाड़ी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस सहित हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने दुर्घटना से बचने के उपाय तथा रोड पर चलने के नियम व सुझाव बताए।
उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस के सहयोग के साथ दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित ना करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें तथा शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। यातायात हेल्पलाइन 1073 व पुलिस कंट्रोल रूम 100 के बारे में लोगों को बताया। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि 650 वाहनों का ई चालान व कोविड-19 के तहत 1000 का चालान किया गया तथा 3 गाड़ी सीज की गई। वहीं पहली बार यातायात पुलिस व कोतवाली पुलिस के चेकिंग अभियान में वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। गाजीपुर की ऐसी और बेखबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।